दरअसल गिरगिट की स्किन ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होती है और इसके नीचे रंग वाले कोश होते हैं। यही कोश गिरगिट का रंग बदल देते हैं। लेकिन कैसे? गिरगिट की पारदर्शी स्किन के नीचे पीले, काले और लाल रंग के पिगमेंट होते हैं। ये पिगमेंट दानेदार होते हैं। ये शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। जब गिरगिट की कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो ये दाने एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे इसकी त्वचा का रंग काला हो जाता है। और जब ये तितर बितर हो जाते हैं तो रंग बदल जाता है। इन दाने, पिगमेंट या कोशिका से ही गिरगिट का रंग बदलता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा कब होता है? चलिए बताते हैं। जब गिरगिट को गुस्सा आता है या डर लगता है तो उसका नर्वस सिस्टम इन कोशिकाओं को संदेश भेजता है और इससे गिरगिट का रंग काला हो जाता है। उत्तेजना और भय से त्वचा पर पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा तापमान से भी गिरगिट का रंग बदलता है। सूरज की गर्म रोशनी से गिरगिट काले रंग का हो जाता है, लेकिन अंधेरे में गर्मी से ये हरे रंग का हो जाता है। वही कम तापमान और अंधेरे में इसकी त्वचा का रंग पीला हो जाता है। हम यह कह सकते हैं कि आवेश, प्रकाश और तापमान की वजह से ये कोशिकाएं सिकुड़ती और फैलती हैं, जिससे गिरगिट का रंग बदलता है।